अस्सलामुअलैकुम, क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 आवर के ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, के नॉट इज इक्वल टू 0 आर रियल है। तो ये डियर स्टूडेंट इसका हम प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, गिवन क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 आवर के ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट वैल्यू ऑफ ए की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर से पहले 1, वैल्यू ऑफ बी माइनस 2 इंटू के प्लस 1 आवर के एंड वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 4। ये डी स्टूडेंट हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आई है। तो डी स्टूडेंट इसको हम पुट करेंगे डिस्क फार्मूला के अंदर। तो डी स्टूडेंट डिस्क फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो इसके अंदर डी स्टूडेंट हमने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू ऑफ बी है माइनस 2 इंटू के प्लस 1 आवर के का होल स्क्वेयर माइनस वैल्यू ऑफ ए 1 एंड वैल्यू ऑफ सी 4। तो इसको हम सिंपलीफाई करें। तो ये डियर स्टूडेंट माइनस 2 यानी यहाँ पे है ए की वैल्यू, इसका डियर स्टूडेंट हमने होल स्क्वेयर कर, अब डियर स्टूडेंट माइनस 2 है तो इसका आप स्क्वेयर करेंगे, माइनस 2 का स्क्वेयर 4 इनटू यहाँ पे बन जाएगा के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर माइनस 4 और 4 16। तो अब ये स्टूडेंट यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वैल्यू ऑफ ए k एंड वैल्यू ऑफ बी 1 ओवर k माइनस 16। हम 4 को अगर अदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 के स्केयर प्लस 4 ओवर k स्केयर, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 माइनस 16। तो यहाँ पे बन जाएगा डियर स्टूडेंट 4 के स्केयर प्लस 4 ओवर k स्केयर और प्लस डियर स्टूडेंट 18 माइनस 16 करेंगे माइनस 8 आएगा। तो अब इस वैल्यू में से डी स्टूडेंट हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा के स्केयर प्लस 1 ओवर के स्केयर माइनस 4 और 2 8। अब यहाँ पे डी स्टूडेंट मेन स्टेप है तो यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे 4 इसको मैं लिख सकता हूँ के माइनस 1 ओवर के का होल स्केयर। अगर डी स्टूडेंट इसकी मैं इसका ओपन करूँगा यानी यही वैल्यू बन जाएगी के, अगर मैं यहाँ पे ना के माइनस 1 ओवर के का होल स्केयर ओपन करूँ तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए इंटू बी की वैल्यू के, के से कैंसिल, ये बन जाएगा के स्केयर प्लस 1 ओवर के स्केयर माइनस 2। और अगर ये स्टूडेंट इसको मैं यही वैल्यू लिखूँ इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ इसको क्लोज करने के बाद। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट लास्ट पे 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू के माइनस 1 ओवर के का, अब 4 था 2 का स्केयर 4 तो इसको होल स्केयर लिखा ग्रेटर देन 0 यानी ये वैल्यू से बड़ा है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास रियल हैं और यहाँ पे कोई इंडिविजुअल नहीं है, रियल है मीन के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.1 का किया। क्वेश्चन नंबर आप 10 अगर देखें वहाँ पे भी डियर स्टूडेंट आपको ए बी और सी की वैल्यूज़ गिवन होंगी, तो उन वैल्यू में से पहले आप ए की वैल्यू लेंगे, आपके सिंपल आपको दी हुई हैं। इसी तरह ये एक एक्स स्क्वायर है, ये के साथ ए की वैल्यू, एक्स के साथ बी की और सी कांस्टेंट है, उन वैल्यू को आपने ए बी सी की आएगी और उसको आपने फिर पुट कर देना है डिस्क फार्मूला के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। इसी तरह आप ये स्टूडेंट स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, सिंपलीफाई करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डी स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसी तरह था। तो डी स्टूडेंट ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट लेक्चर था, तो ये हमने डिस्कस किया। तो डी स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है डी स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा, फिर भी किसी किस्म का
कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।